Hello everyone, this is me Pratima Chauhan and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं आई थी कैफे से 5:30 या 5 बजे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. सो मैं आई और उससे पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे स्टमक का थोड़ा चला हुआ था आजकल, मतलब कभी कभी पेन हो रही थी. सो काफ़ी टाइम हो गया था एंड ये चला जा रहा था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था बट स्टिल कुछ हो रहा था. तो मैंने आज सोचा कि मतलब इसको ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड डॉक्टर ने बोला कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं डरने वाली बात. 5 डेज की मुझे मेडिसिन दी है जो मुझे लेनी है एंड उसके बाद अगर ठीक ना हुआ तो कुछ टेस्ट वगैरह दिए करवाने को, तो मुझे वो करवाने हैं. सो मैंने आई थिंक 5:30 बजे मैंने लंच भी किया था. अंजी ने मलकी की दाल बनाई थी और राइस बनाए थे. सो अभी तो बेटर हूँ, मतलब ऐसा ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा बट कुछ कुछ फिर बाद में एकदम से ऐसे हो जाता है कि ऐसे वीकनेस हो जाती है. तो दवाई ले ली है, एक दवाई नहीं मिली है तो मुझे वहाँ पे फिर जाना है एक दवाई लेने. सो एंड चलते हैं कैफे, मिलेंगे वहीं आपसे. यार अभी मत बना रही, मैं दोबारा कर रही हूँ. मेरे व्लॉग में कोई एडिट नहीं होता, ऊपर स्ट्रेट ऊपर. ओ क्या रंजली, तेरे को मेथी का पानी पी रही है. और मेथी का पानी तेरे को पता है कैसे पीते हैं? रात को पूरी रात को भिगोते हैं फिर सुबह पीते हैं. उसने तो बोला किसने बोला? यूट्यूब में बोला. ये कि इन यूट्यूब वालों ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की. क्या हो गया देखो आज? ठीक है तबीयत? ठीक है, बुखार? कोई सदमा तो नहीं हो गया किसी चीज का? एक कम में भैंस जैसी हो गई, पर कुछ नहीं कर रहे ना एक्सरसाइज ना कुछ, टाइम ही नहीं मिल रहा होगा. तो गाइस मैं नहा लेती हूँ, थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नहा के वार्तालाप करते हैं आपसे. सो गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स और अंजलि बना रही है अपने लिए पराठा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पराठा खाने के लिए मना करा, मतलब ऑयली खाने के लिए 5 डेज जब तक मेरी दवाई चल रही है. ये है मेरा मैंगो शेक भी मैं काफ़ी टाइम के बाद पी रही. सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड ये जो मैंने टॉप पहना है ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा है. एक्चुअली मैंने कुछ और ऑर्डर करा था, वो फैब्रिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसको एक्सचेंज करवा के ये वाला लिया. ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, दिखाऊंगी. ये बहुत ही प्यारा है और काफ़ी प्रीटी भी लग रहा है. सो या अभी चलते हैं. ये कोई चप्पल दे दे यार, शूज़ पहनूँ या मैं, धूप भी है ना, मैं सोच रही हूँ मैं ना. पिताजी से करो फिर कान साफ मेरे, भैया कान साफ कर रहे हैं. अच्छा। वैसे मेरे कान साफ ही रहते हैं. वीडियो आ रही है, ठीक है. इतना तो क्या होता भैया, मेरे को पता है, डॉक्टर ने बताया था कि आपका जो कान है वो ज्यादा क्या होता है, वैक्यूम वैक्सिंग पता क्या होता है, जो भी होता है. बस निकल गया काला काला डालते हैं, वो नहीं डालता, कोई भी सामान डाल देते हैं. ये सामान में जाकर नहाते धोते ना पानी. कुछ नहीं निकल रहा मेरे कान से. सुना पानी तो भी साफ है बिल्कुल, है ना. अरे बड़ा मजा आ रहा है यार. नहीं
सो गाइस मेरे कान साफ कर दिए, बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे खुजली खुजली हो रही थी और ऐसा करवाना नहीं चाहिए क्योंकि सेफ नहीं होता, बट मैंने करवा लिया क्योंकि मेरे कान में ना मैल नहीं होता है। एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी किसी और रीज़न से, तो फिर मैंने कान भी दिखा ली तो उन्होंने कहा था कि आपकी वैक्सीन बनती है ना और वो ना खुद निकल जाती है, मतलब खुद पास हो जाती है किसी के कान से जो भी निकलता है। एंड फिर मैं आपको बता दी, इससे मुझे याद आया कि जब मैं 7th में पढ़ती थी तो मतलब मेरे को ना 2-3 दिन हो गए थे ना, मेरे कान में इतनी दर्द हो मैं बता नहीं सकती। तो क्या हुआ एक बार, यहाँ पे नहीं लगेगा गोपी भैया, तो क्या हुआ मेरे कान में इतनी ज़्यादा दर्द थी ना, एक मेरी फ्रेंड होती थी, मेरी जो क्लासमेट होती थी, ठीक है, उसने बोला मैं तेरे कान में ना कुछ निकाल, उसने डंडा सा लिया और पता कितना इतना बड़ा बहुत बड़ा वैक्सीन निकला था मेरे कान से वो तब का। और उसकी जैसे वो निकला उसके बाद मेरी दर्द भी चलेगी, बस वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वैक्सीन, उसके बाद मेरे इकट्ठा होती नहीं, बस यही। तो गाइस 9 बजने वाले हैं और मैं आई हूँ घर। गोपी भैया ने बनाया आज डिनर में ब्लैक चना, तो मैंने अंजलि को बोल दिया था कि राइस बना दियो, इसने राइस बनाया। सो मेरे को वॉशरूम में जाना था, मैंने सोचा पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाती, मैं अवॉइड करती हूँ वहाँ जाने से। सो मैं अभी राइस लेने भी आई और अभी तो बस अभी वॉशरूम जाती पहले। सो गाइस मैंने राइस ले लिए हैं और राइस इतने गर्म है ना, आई एम गोइंग बैक। के बज रहे हैं, रुको टाइम देखते हैं, 10:30। अभी तक हमारे पास 4-5 ऑनलाइन ऑर्डर आए थे, सो खाना मैंने खा लिया था, बट खाना अच्छा था, थोड़ा ऑयली लगा मुझे, आज पहली बार गोभी भैया ने बनाया था। सो अभी थोड़ी देर में 11:15 के अराउंड में घर चले जाऊंगी। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और टाइम हो गया है 11:30। इसमें है मैंगो जो कि दी है मेरी भाभी ने, मैं उनके फ्लैट गई थी दिन को, और ये है मेरा बैग, इसमें है, और ये अगर जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं मतलब बैग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जो कि मेरी भाभी मतलब भैया ने मुझे गिफ्ट करा था लास्ट ईयर राखी में। तो ये मुझे वैसे मेरे को ये था कि मैं कभी कभी यूज़ करूँगी, बट जो मेरा रेगुलर रूटीन वाला बैग है वो टूट चुका है। तो उसमें दूध है, ये मैंगो है, अभी ये पके नहीं है तो मैं इसको ऐसे रखूँगी, बहुत टेस्टी है, जब पक जाएंगे ना तो खाएंगे। ये सो गई है यार, और भी था कुछ मेरे हाथ में, ये है पानी की बॉटल। अब मुझे याद आया मेरे को मेडिसिन खानी है, जो मेरी स्टमक वाली मेडिसिन थी डॉक्टर ने कहा था, और मेरी और आँखों में दर्द। आजकल मैंने एक बात नोटिस करी है, जब भी मैं ना चश्मा नहीं पहनती तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरे को लग रहा है या तो आई साइट बड़ी है या फिर मैं भूल जाती हूँ चश्मा पहनना, तो चश्मा पहनना पड़ेगा। अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद चश्मा पहनूंगी मैं।